हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, क्या है कि आप देख रहे हो, मैं जहाँ पे हूँ ये है बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन और ये करीब दिल्ली से 32-33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। बहुत सारे जो मेरे भाई अभी नए सब्सक्राइबर है वो पूछते हैं कि सोनू भैया, ऐसा है कि हमें आना कहाँ पड़ेगा? तो मैं उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियोज़ को मैं बना रहा हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि भाई का कोई भी ब्लॉग जाए आप के पास नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच सके। गाइस, आप देख सकते हैं यह है बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन और ये रेलवे स्टेशन फरीदाबाद से करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये हरियाणा, जैसे इसका स्टेट जो है हरियाणा है, हरियाणा में फरीदाबाद जो है वो ज़िला है और ऐसे छोटे मोटे यहाँ पर है और इधर को बहुत सारी कंपनी है, इधर को भी बहुत सारी कंपनी है। यहाँ पे हर जगह आप जिधर जाएंगे तो इधर कंपनी ही कंपनी है। आपको इधर आसपास जो कॉलोनी दिख रही है, इधर पीछे कॉलोनी दिख रही है, इधर आपको रूम मिल जाएगा और आप आराम से लगा लीजिए कि कहीं भी काम कर सकते हैं। देखो भाई, मेरा काम है आप लोगों को रास्ता बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से ही आओ, मेरे से ही आओ। आप यहाँ पर आ जाओ, ज़्यादा नहीं 5-6 हज़ार रुपये अपना लेके आ जाओ, रूम ले लो, सामान ले लो अपना, किधर भी जिधर भी जाओगे उधर काम लग जाएगा। अगर आप CNC के ऑपरेटर हो, BMC के ऑपरेटर हो तो आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपका जॉब तुरंत लगवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक का पासबुक होना चाहिए और उसके बाद कभी कभी पैन कार्ड मांगते हैं, जो कि कोई कोई कंपनी में अकाउंट खोलते हैं ना तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी ले लेना। दोस्तों, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो मेरे से, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिएगा, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो मैं मैसेज का रिप्लाई 100% देता हूँ। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर से आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आप नंबर देख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का, चाहे आप ITI कर रखे हो, चाहे BTEC कर रखे हो, चाहे क्वालिटी का काम ढूंढ रहे हो, चाहे CNC BMC, चाहे HMC, चाहे एनी बड़ी कुछ भी आप काम के वास्ते अगर फरीदाबाद में सर्च कर रहे हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हरियाणा, हर कोई ये लगा लीजिए कि यहाँ पर जो भी है, देखो भाई यहाँ पर ज़्यादातर से UP, बिहार, राजस्थान और ज़्यादातर से ये लगा लो कि उधर के ही लड़के आते हैं। और जो भाई लोग CNC टर्निंग मशीन सीखना चाहते हैं वो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया कहाँ पे हम CNC टर्निंग मशीन सीख सकते हैं, क्योंकि CNC टर्निंग मशीन आप सीख लेंगे तो आपको अच्छा पेमेंट मिलने लगेगा। और इधर का देख सकते हैं, थोड़ा बहुत लोकेशन मस्त है और हम भाई देखो चल रहे हैं अब अपने रूम पर। अभी जस्ट हम गाँव से आए हुए हैं फरीदाबाद में, मुझे लगा कि जो भाई लोग नए हैं थोड़ा सा उनको ये रेलवे स्टेशन का ब्लॉग बना देते हैं। और ये है रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़ का है, जो कि फरीदाबाद से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। अगर आपको आना होगा तो सबसे पहले आप दिल्ली आइएगा, दिल्ली से आप पलवल को जाने वाली ट्रेन जो होगी, लोकल ट्रेन, उसको पकड़ लेंगे तो यहाँ फरीदाबाद, फरीदाबाद से न्यू टाउन आता है, न्यू टाउन से फिर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन आता है। आप आराम से आप यहाँ पे आके मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो कि सोनू भैया मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप बताइए रूम कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको फ़ोन से मैं बता दूँगा। यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको रूम मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, जो भी चीज़ है सब कुछ मिल जाएगा। बस आपके जेब में भाई 2-4-5 हज़ार रुपया होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 3 लोग हो, 2 लोग हो, अपना 2-4 हज़ार रुपया ले लो, अपना आ जाओ, सामान ले लो और रूम ले लो, अपना रहो। भाई लोग, अगर आपके पास जेब में पैसा अगर नहीं है ना तो आप किसी से भी मांग लेना भाई, कोई आज के टाइम में देने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई काम करो, मेहनत करो, जो भी अपना करना है अपने खुद के दम पे करो। और पार्ट टाइम गाइस, हमारा लाइफ स्टाइल भी इस चैनल पे आता रहेगा और ब्लॉग तो आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगा। अब तो कैसा लगा आज का अपडेट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।